हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल कपल्स रसोई में। आज बनाने वाले हैं स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम की सब्जी। तो चलिए अभी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए बॉइल्ड स्वीट कॉर्न, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटो प्यूरी, नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, बटर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, क्रीम और ऑयल। अब एक कढ़ाई में हल्का सा ऑयल गरम करेंगे। फिर इसमें बटर डाल देंगे। बटर को हम मेल्ट होने देंगे। फिर इसमें डालेंगे बॉइल्ड स्वीट कॉर्न और ये कैप्सिकम और इसे कुछ समय के लिए हम फ्राई कर लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए, ये स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम हल्का सा फ्राई हो चुका है। इसे अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई में और थोड़ा सा बटर डालेंगे, इसे भी मेल्ट होने देंगे। फिर इसमें ये कटे हुए प्याज को डाल देंगे, मिला लेंगे इसे और प्याज सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। कुछ समय के बाद ये देखिए, प्याज जो है हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिक्स कर लेंगे इसे भी। फिर इसे ढक के जिंजर गार्लिक का कच्चा स्मेल जाने तक पकने देंगे। लगभग 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए, मसाला जो है और थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। मिक्स कर लेंगे इसे। फिर इसमें ये टमाटो प्यूरी को डाल देंगे, इसे भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसे ढक के और कुछ समय के लिए पकने देंगे। कुछ समय के बाद चेक करेंगे। ये देखिए, ये जो मसाला है वो फ्राई हो चुका है, ये ड्राई भी हो चुका है। अब इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाला हुआ है, करीब 1 से 1.5 कप के आसपास। मसालों के साथ इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ। फिर इसमें डालेंगे बस हल्का सा नमक, ये बस ग्रेवी के लिए। मिला लेंगे इसे। फिर इसे ढक के कुछ समय के लिए बॉईल होने देंगे। कुछ समय के बाद चेक करेंगे। ये देखिए, जो मसाला है अच्छे से बॉईल हो चुका है, ये थिक भी हो चुका है। अब इसमें ये फ्राइड स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम को डाल देंगे, मिला लेंगे इसे भी।
फिर इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला, मिला लेंगे इसे भी और इसे ढक के कुछ समय के लिए हम पकने देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, ये स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम की सब्जी ऑलमोस्ट तैयार है। मिला लेंगे इसे, फिर इसके ऊपर डालेंगे हम क्रीम, लगभग 1 से 2 चम्मच। ध्यान रखिए गैस का फ्लेम रो ही रखना है। मिला लेंगे इसे भी। ये देखिए, स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम की सब्जी हम लोग का तैयार है। अब सबसे आखिर में इसके ऊपर डालेंगे हम धनिया पत्ता। अब गैस बंद कर लेंगे और इसे सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल कपल्स रेसिपी को सब्सक्राइब कीजिए।